नमस्कार दोस्तों, हकीन क्रेस सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोचेज में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करके एक सी प्रोग्राम बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको सी प्रोग्रामिंग के दो मेथड बताऊंगा, यानी कि किस दो तरीके से आप हम उस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे कि भाई टर्बो C++ का एडिटर आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मैंने एक वीडियो आपको अपलोड किया है, आप उस वीडियो के थ्रू इसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, उसके बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद हमारे लोकल वेरिएबल मैंने लिया है यहाँ पर a=19, b=9 और कुछ लोकल वेरिएबल्स और ले लिए जिसमें मैं अपनी वैल्यू स्टोर कराऊँगा। और उसके बाद हम देखते हैं, क्लियर स्क्रीन लगा दिया है और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म कराए हैं। ठीक है, जो ऑपरेशन हमने परफॉर्म कराए हैं वो स्टोर कर लें और उसके बाद उनको डिस्प्ले करा दिया, जैसे एडिशन इज ये और सब्ट्रैक्शन इज ये, जिस जिस वैल्यू में स्टोर कराया था वो सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको कंपाइल करते हैं। और कंपाइल करने पर हमने देखा कि एक भी एरर नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। देखिए, रन होने पर इसने वैल्यूज दिखा दी, एडिशन इक्वल टू ए, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ए, यानी कि हमने एक ही प्रोग्राम में कंप्लीट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ कर लिया है। और एक वैल्यू भी चेंज करके देख लेते हैं। देखिए, वैल्यू चेंज होने पर हमारा जो भी आउटपुट है, आउटपुट आ रहा है डिफर पहले से। ठीक है, एक तरीका तो हमारा हुआ ये। आइए अब फिर दूसरे तरीके की बात करते हैं। इस तरीके में मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का दूसरे तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने इसमें किया है, कंपाइल करके देखते हैं कि भाई कोई गलती है नहीं। तो गलती तो कोई दिखा नहीं रहा। चलिए रन और करते हैं इसको, और रन करने पर इसका आउटपुट पहले की तरह ही है। हमने प्रिंट एफ के अंदर ही फार्मूला अप्लाई कर दिया है, ना कि अलग से फार्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू को स्टोर किया है। तो ये हो सकता है आपके लिए एक न्यू मेथड हो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व करने का। तो दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके अपने प्रोग्रामिंग को इजी बना सकते हैं। और जो हमारा ट्रेडिशनल वे था, जैसे कि C=A+B, यानी कि A+B को आप C में स्टोर करा रहे हैं और C को प्रिंट करा रहे हैं, उसकी प्लेस पर आप डायरेक्टली फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं प्रिंट एफ के अंदर। तो यही था इस वीडियो का एक मेन मोटिव, जो कि आपको शायद समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमको ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा है। अगर आपका कोई डाउट है तो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और इस तरीके को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मैं था जी कृष्णा चौहान, थैंक्स फॉर वॉचिंग।